ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग ने एक निजी अस्पताल में छापेमार कार्रवाई की है। विभाग को सूचना मिली थी कि एमपी स्पेशलिस्ट अस्पताल में महिला का गर्भपात कराया जा रहा है, जिसके बाद सीएमएचओ अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंचे। जांच टीम ने पाया कि अस्पताल के पास गर्भपात कराने के लिए लाइसेंस नहीं था। सीएमएचओ ने अस्पताल के डिलीवरी रूम को सील कर दिया, साथ ही अस्पताल के अन्य दस्तावेजों की भी जाँच हो रही है। अभी इस वक्त हम लोग मेरी टीम के साथ में, जिसमें डीपीएम है, डीएचओ है, नोडल ऑफिसर पीएमडीटी हैं, डीआईओ साहब हैं और अखिलेश जैन हैं, हम सभी लोग यहाँ आए हैं। हमें संज्ञान में लाया गया था कि यहाँ पर कोई एमटीपी वगैरह हुई है, तो उसको हमने देखा। मरीज तो इस वक्त मौजूद नहीं है यहाँ, लेकिन रिकॉर्ड से पता चलता है कि एमटीपी तो हुई है कोई। अब ये विस्तार से जाने पर पता लगेगा कि वो किस तरीके की थी, क्या उसकी प्रकृति थी, क्यों उसे किया गया।